हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और जो दोस्त चाहते हैं कि आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, करंट अफेयर की वीडियो, रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की, तो आप नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से जाके आप ये टेस्ट परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में दिया गया है, किसी निश्चित कूट में कोटन को TOCNOT की तरह से लिखते हैं, तो उसी कूट में थॉट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कोटन और जो ये आपका कोड दिया गया है, इसके बीच में रिलेशन क्या है, अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो थॉट्स का आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। देखिए, कोटन को मैंने दो भाग में डिवाइड कर लिया है, COT और TON, ठीक है, और उनका क्या रिलेशन है, क्या कोडिंग हो रखी है। देखिए, जो सी आपका पहले नंबर पर है वो आपका तीसरे नंबर पे चला गया है, और जो टी आपका तीसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया है, ठीक है। ओ को बीच में वैसे रखा है, फिर टी को हम वैसे रखेंगे, जो सेकंड हाफ होगा आपका इसमें टी को रखेंगे लास्ट में, एन को रखेंगे फिर फर्स्ट नंबर पे सेकंड हाफ के, और यहाँ पे ओ को फिर बीच में रख देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कोडिंग है, उसी तरीके से आप थॉट्स को डिवाइड कर लीजिए। अब थॉट्स में आपके कितने वर्ड हैं, ये है आपके 8, ठीक है, तो इसको चार चार के दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, और उसमें क्या करना है आपको, उसी तरीके से चार का इस तरीके से क्रॉस कोडिंग इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से टी को हम यहाँ पे लेके आएंगे, और यू को हम यहाँ पे लेके आएंगे, एच को यहाँ पे लेके आएंगे, ओ को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो बस यही आपको यहाँ पे करना है कि टी को यहाँ पे लेके आएंगे और एस को यहाँ पे लेके आएंगे, एच को यहाँ पे लेके आएंगे और टी को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो आपकी कोडिंग मिल गई कि थॉट्स के लिए क्या कोडिंग होगी, UOHTSTHG, ये आपकी कोडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके के कोडिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इजीली कर लेंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। और इसमें बहुत तरीके की क्रॉस कोडिंग हो सकती है, यहाँ पर ऐसे 2-2 करके भी हो सकती थी। चलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से 2-2 करके भी पेयर बन सकते थे, यहाँ पे ये 4 के पेयर भी बन सकते थे इस तरीके से जो नीचे बने, यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट का भी बन सकता था। देखिए, जैसे यहाँ पे ये बन जाए और ये बन जाए, ठीक है, ये इस तरीके से भी कोडिंग हो सकती थी। तो ये बहुत तरीके की होती है, अगर आप इनको एक बार थोड़ा सा समझने स्टार्ट कर गए तो आप यहाँ पर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कोडिंग कहाँ पर चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कोडिंग डिकोडिंग से, इसको भी ट्राई करिए, और जो भी क्वेश्चंस आपसे आते हैं तो उनका कमेंट बॉक्स में आंसर देने की पूरी कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में थ्रेड शब्द को SIQFZE की तरह से लिखते हैं तो उसी कूट में नंबर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो बेसिकली हम, मैं इसको यहीं पर भी बता सकता हूँ, -1 और +1 की सीरीज यहाँ पर चल रही है, बट अच्छे तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको। देखिए, जो थ्रेड लिखा है और उसको जो कोडिंग की गई है SIQFZE में, तो वो कैसे की गई है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने -1 किया, टी में से -1 करेंगे तो यानी कि एक वर्ड पीछे चले जाएंगे तो आपका एस आ जाएगा, ठीक है। एच से के बाद वाला अल्फाबेट कौन सा होता है, आई, तो एक +1 चल रहा है, फिर -1 कर देंगे तो क्यू आ जाएगा, फिर +1 कर देंगे तो एफ आ जाएगा, फिर -1 कर देंगे तो जेड आ जाएगा, और +1 कर देंगे तो ई आ जाएगा। तो इस तरीके से कोडिंग है। तो नंबर की भी आप वैसे ही कर सकते हैं, नंबर में भी आपको क्या करना है, -1 सबसे पहले करना है, एम आ जाएगा, फिर +1 कर देना है, वी आ जाएगा, एम में फिर -1 कर देना है, एल, बी में +1 तो सी, ई में -1 तो डी, आर में +1 तो आपका एस आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से कोडिंग आपकी हुई है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है मिरर इमेज से, ठीक है। पर्सन आकृति आपको दी गई है ये वाली, और यहाँ पे उत्तर आकृति 4 जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी इस वाली आकृति की। तो इसको करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे बस आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, किस डायरेक्शन में आपका, कहाँ पर आपका मिरर रखा है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर मिरर रखा है, तो आप देखिए कितने जल्दी आंसर लेके आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर रखा है मिरर आपका, ठीक है। मिरर को मैंने इसलिए बोला, सॉरी,
कि मिरर यहाँ पे भी रखा जा सकता है, मिरर यहाँ पे भी रखा जा सकता है, और जिसको हम वोटर इमेज बोलते हैं ये मिरर यहाँ पे भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो चारों कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो सेम रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में वो मिरर रख दिया जाए। वो पॉइंट जान लीजिए कि वो कैसे देखना है हमें, किस नज़रिए से देखना है। देखिए ये आपका मिरर रखा है, ठीक है ना। तो अब इसमें से कौन सी आकृति होगी वो आपको डायरेक्ट नहीं देखनी है। सबसे पहले एक पॉइंट पकड़िए, देखिए ये मिरर रखा है इस डायरेक्शन में, ये एरो का साइन है इस डायरेक्शन में। मिरर के पास में क्या है, ये एरो वाला साइन और ये गोलाई वाला जो है डब्बा, इसे हम मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये गोलाई वाला, ठीक है ना। एक तो पीछे वाला है ये इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल टाइप, और एक है आपका ये इस तरीके से गोलाई वाला। तो ये मिरर के पास में कौन सा है, ये एरो वाला और ये आपका गोलाई वाला, समझ गए आप। तो आपको वही मिरर इमेज देखनी है जिसमें जो मिरर के पास ये एरो वाला साइन होगा और ये गोल वाला होगा, ठीक है ना। मिरर के पास मीन्स अगर मैं मिरर को यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए कौन सा डब्बा है, ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो हटा दीजिए, बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन आपको बिल्कुल भी देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो गलत ही है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर में बी पे आता हूँ। बी में देखिए ये गोलाई वाला डब्बा है ना, ये मिरर अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये इससे दूर चला जाता है और ये इसके पास होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे पास है, तो यहाँ इधर भी ये पास ही होना चाहिए, जब इसकी मिरर इमेज निकल के आएगी ना पास में होना चाहिए। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। फिर आता हूँ मैं सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन में ये वाला तो पास में है बट जो एरो का साइन है वो दूर चला गया, ऊपर वाला एरो का साइन इधर आना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपका ऑप्शन डी बचा है, यही राइट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी है गोलाई वाला और ये चिन्ह भी है। तो बस इतना सा एक पॉइंट पकड़िए और चेक करके देखिए, जो आंसर नहीं हो सकता उसको हटा दीजिए, उस पर नज़र मत मारिए दोबारा से, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए जैसे ये है आपका जिसको हम वोटर इमेज बोलते हैं, बस मैं इसको ये बोलूँगा कि मिरर अब की बार नीचे रख दिया, ठीक है। अब ये वोटर इमेज है बट इसमें क्या कर दिया कि मिरर नीचे रख दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए, अब मुझे ये बताइए अगर ये वाला पॉइंट इस तरीके से है, ये इस तरीके से है और मिरर यहाँ पे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो मिरर के पास में कौन सी चीज़ होगी। मिरर के पास में ये गोलाई वाला जो पॉइंट लगा है ना ये वाला होगा। तो सबसे पहली बात, मिरर के पास में अगर नीचे वाली फिगर बनेगी ना तो मिरर के पास में ये होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ऊपर ये एरो का साइन इस डायरेक्शन में है आपका राइट राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं, बहुत से क्या करते हैं कि ये ऊपर को जा रहा है तो ऊपर को ही बना देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे अगर मैं मिरर रखता हूँ तो आप देखिए ये ऊपर को नहीं जाएगा ना एरो, तो ऊपर वाला जैसे ये हो गया ये होगा, दोनों काट दीजिए, कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका ये है और इसी डायरेक्शन में आपके ये दोनों है, ठीक है। बचे आपके पास ऑप्शन ए और बी। अब ए क्यों नहीं हो सकता, देखिए एरो का साइन इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में पहुंच गया, अगर मैं ये गोला यहाँ पे बनाता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा एरो का साइन, तो ये भी नहीं हो सकता। कभी भी मिरर हो, इमेज हो चाहे वोटर इमेज हो, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, जो जिस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है वो अपोजिट दिखने लगेगा, ठीक है ना। जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में दिखने लगेगा, पर ये नहीं कि ये चिन्ह इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी बचेगा, यही राइट आंसर आपका बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए आपको ये जो मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है और वोटर इमेज वाला समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके बताइए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से ट्राई करके देखिए, ठीक है। नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। जल मीन्स यानी कि मान लीजिए मिरर यहाँ पर रखा है, ठीक है। वोटर इमेज आपको बनानी है। जल प्रतिबिंब का मतलब है कि यहाँ पे मिरर अब की बार नीचे रख दिया गया है और कुछ भी चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला होता है तो आप मिरर के पास में देखिए क्या है, ये वाला पॉइंट मिरर के पास में है इस तरीके से। तो जो नीचे आपका जो बॉक्स बनेगा उसमें भी जो पॉइंट आएगा ना वो मिरर के पास में आएगा, यानी कि अगर मिरर यहाँ पर रख दूँ मैं तो ये वाला जो गोल वाला पॉइंट है ये ऊपर को इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि मिरर यहाँ पर रहेगा तो मिरर के पास में मुझे लेकर आना ना। तो आप सबसे पहले तो वो पॉइंट देख लीजिए जिसमें ये ऊपर को है और बाकी के जो नीचे को है ना, क्योंकि ये भी नीचे को और ये भी नीचे को है, तो ये हट जाएगा, ये भी नीचे को, ये हट जाएगा और ये भी नीचे को, ये भी, इसका मतलब ऑप्शन ए ही बचा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं क्वेश्चन में, और ईजिली हो जाते हैं और दिखने में जो बहुत हार्ड लगते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं और 6 में भी आपका यहाँ पे बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से
आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब यानी कि आपको वोटर इमेज बतानी है। तो यहाँ पे भी मतलब अब की बार मिरर नीचे ही रखा गया है, वोटर इमेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई ये आपका नीचे को है तो ये तो आपका ऊपर को आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी, मतलब आपका ये जो मिरर रखा जाएगा, बस थोड़ा सा विजुलाइज़ मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये मिरर के पास में कौन सा है, इस साइड वाला, तो इस साइड वाला आपका मिरर के पास में आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से, और ये नीचे चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा देखना है जिसमें इस साइड वाला ऊपर हो, ये जो पॉइंट रखा है ये बोक्सा, और ये नीचे हो, ठीक है ना। तो ये जैसे नीचे है, ये नहीं हो सकता, ये ऊपर है, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को। अब इन दोनों में से आपको चेक करना है। अब जैसे इसके डायरेक्शन ये है इसी डायरेक्शन में, तो नीचे वाला भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ना कि इस डायरेक्शन में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ना कि बी, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी गलती हो गई, ये ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ना थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इसलिए होगा क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी ये इस डायरेक्शन में है ना, जैसे ये दोनों चेंज हो गई थी ना, ये नीचे का ऊपर आ गया था और ऊपर का नीचे आ गया था, क्योंकि हमें मिरर के पास में देखना है ना, तो ये वाले भी चेंज जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति आपके 4 है, तो इसमें से देख करके आप राइट आंसर लगाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा आपको जब मैं इसको बताऊँगा। टी का कौन सा पार्ट मिरर के पास में है ये बताइए मुझे, टी का कौन सा पार्ट, ये प्लेन वाला ऊपर जो टी में ये डंडा है, ये वाला तो पास में नहीं है ना, तो आपको ये ही वाला पार्ट नीचे पास में लेके आना है, यानी कि मिरर यहाँ पे रखा है, वोटर यहाँ पे है, आपका वोटर इमेज हम बना रहे हैं, तो ये वाला पार्ट। तो ये देखिए कि टी का जो फेस है ऊपर को किसके नीचे को, ये डंडे वाला नीचे को कितने में है, तो ये ए हो सकता है आंसर या बी हो सकता है, सी और डी तो कभी नहीं हो सकता। तो दो तो मैंने हटाई दिए, मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, दो में से मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। अब मैं अगर एस की बात करूँ तो इसमें बी ऑप्शन में एस बिल्कुल सीधा लिखा है, तो बी ऑप्शन भी ये डिस्कार्ड हो जाता है, ये भी राइट नहीं हो सकता, तो बचा आपका ये ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या है देखिए, मैं अगर इस ऑप्शन की बात करूँ तो मिरर के पास में ये गोलाई वाला जो अलग सा इसमें लगा हुआ है, ये वाला मिरर के पास में है, तो आपका ये ही मिरर के पास में आना चाहिए जो आप आकृति बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके की आकृति आप बनाएंगे, तो देख लीजिए इस तरीके की आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ये नीचे ही आ गया है, फिर ये भी उल्टा हो गया है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका बचता है बिल्कुल सेम आकृति वाला, ये भी डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी आपका बचा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डायरेक्शन से, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, यदि आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़कर आप अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, यानी कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया होगा और यहाँ तक हम आ गए 4 किलोमीटर, ठीक है। चलिए फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं, यानी कि आप ना लेफ्ट साइड मुड़ जाते हैं, और फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर पुनः आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, यानी कि दो बार हमें बाईं ओर मुड़ना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर आए, फिर बाईं ओर मुड़ गए यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ गए, फिर 5 किलोमीटर आए। तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या बोला गया है, दौड़कर फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं, और फिर 6 किलोमीटर दौड़कर फिर से बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और फिर 6 किलोमीटर दौड़कर फिर से बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद में फिर 1 किलोमीटर यहाँ पे दाईं ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़कर फिर से बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको इतना काम करने के बाद में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आपको आंसर देना है। यहाँ पे फिर से बाईं ओर मुड़कर ये यहाँ पे आ गया, देखिए ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से घूमता घूमता यहाँ तक आ चुका है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं
जहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस आपको नज़र आ रही होगी। दौड़ना यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये हो गई 5, तो और ये पूरी की पूरी 6 है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 1 किलोमीटर। तो आपका पहले क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का 2, आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे जब आप दौड़ना समाप्त करते हैं, तो किस डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे भाई। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो फिर से आप दक्षिण दिशा में ही, सॉरी उत्तर दिशा में ही दौड़ रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने इस तरीके से मुड़ने के बाद में ये कौन सी उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में दौड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका तीसरे वाला क्या रहेगा, दूसरी बार मुड़ने के बाद आप किस दिशा की ओर दौड़ रहे होंगे, दूसरी बार मुड़ने के बाद। देखिए यहाँ पे आपने दूसरी बार मुड़ने के बाद पूछा है, तो सबसे पहला तो यहाँ से यहाँ तक चला, ये वाला मुड़ा, और दूसरी बार मुड़ने के बाद ये कौन सा हो जाएगा भाई, उत्तर, ये नीचे वाला आपका दक्षिण होता है, तो दक्षिण दिशा में की ओर दौड़ रहे होंगे दूसरी बार मुड़ने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन गया, दक्षिण इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी कई बार आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और इसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा टेलीग्राम पे जा करके, जहाँ पे आपको बहुत सारी PDF डेली बेसिस मिल जाती है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी सौरभ मलिक SAURABHMALIK सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट आते हैं वो पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।